क्या ना भाई, आज के बाद बोलना नहीं। ठीक है, बढ़ दिया तेरे पे। आज कल उसको कॉल वॉल मत करना, तू कॉल मत, ब्लॉक कर दो उसको। अंकल वी गो जिम। भाई अभी कोई दूसरी बैठी थी भाई, इतनी क्यूट थी भाई साहब, इतनी क्यूट। सो कैसे हो मेरे शेरो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज ऑन बॉय निखिल। अरे यार, बट हमको पैसे दिए हैं तो हम सिंधी लोग हैं, पूरा वसूल करते हैं। सो कैसे हो मेरे शेरो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज बॉय निखिल जोतवानी। अबे लवड़ा नहीं हुआ ना सही, अच्छा इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ भी खा रहे हैं तो उसका वो फोटो वीडियो भेज रहे हैं जिससे मेरी जान जले, उसमें से एक लड़की भी भेज रही है, वो मैं मिला है। और ये तो मेरे को पता है कि इन फ्यूचर बहुत हेट मिलने वाला है, तो मैं थोड़ा थिंक कर रहा था भाई, क्योंकि वो भाई इंसान के एकदम मत्थे पे ना बात बैठ जाती है, फिर वो इंसान बोल नहीं पाता। व्लॉगिंग भाई ऐसा चीज है ना कि इंसान का माइंड फ्री रहना चाहिए। भाई है सो कैसे हो मेरे शेरो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अ बॉय निखिल जोतवानी। नॉट बैड। कुछ नया दिखा अभी? देख लो पहले कुछ नया दिखा कि नहीं, मुझ में मत देखो। कुछ इंट्रो में कुछ नया दिखा? तुम्हारे भाई ने कर दिया इंट्रो चेंज, जैसे अपनी फीलिंग्स चेंज कर दी थी मैंने, तो इंट्रो हो गया चेंज। अभी हम जा रहे हैं, मेरे को बिल्कुल भी व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, बट फिर भी अभी काम में ही था तो नीरज आया था, तो बोला चल एक काम है निपटा के आते हैं फटाफट, क्योंकि पापा ने काम दिया और वो छुपते छुपते उस काम को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। तो यही होता है भाई असली व्लॉगर, जो थोड़ा बहुत टाइम निकाल ले। बस 3 दिन और बिजी हूँ, उसके बाद मेरा भाई आ जाएगा, तो काम तीन लोगों में डिवाइड होता, जो काम तीन लोगों में डिवाइड होता था अभी वो दो लोगों में हो गया, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा। तो बस मेरा भाई आ जाएगा 3 दिन में, ठीक है? तो फिर उसके बाद थोड़ा व्लॉगिंग कंटिन्यू रखेंगे, 3-4 व्लॉग्स आएंगे हफ्ते में डेली वापस पहले जैसे। तो अभी जा रहे हैं, बोल कितना पैसा है कि तीन लोग लगते हैं? अबे चुप ना, पैसा बाकी भाई ने क्लासेस लगाई है, इसको पैसों की नीड है। कहाँ से नीड हुई भाई, करोड़ों के मालिक है भाई, तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं हम लोगों ने, मैंने 10-12 दिन पहले पैसे देते थे जिम में, मेंबरशिप ले लिया था, लेकिन अभी तक मेरा वो फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगा है। सो अच्छा नहीं लगता भाई पैसे देने के बाद भी फिंगर, वो जो बायोमेट्रिक लॉक होता है, कोई ट्रेनर खोले या कोई दूसरा बंदा खोले, अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्योंकि 9:30 के बाद जा रहे हैं, क्योंकि मैं शाम तक ये बिजी रहता हूँ। सो अभी इसलिए जा रहे हैं कि फटाफट जाके जो रिसेप्शनिस्ट में मैम रहती है उसको बोलता है फिंगरप्रिंट लगाओ और बैग दो, पैसे दिया है तो दो पैसे। हमको वैसे नीड वीड नहीं है बैग वैग की, बैग मेरे जिम के भी बहुत सारे पड़े हैं, बट हमको पैसे दिए हैं तो हम सिंधी लोग हैं, पूरा वसूल करते हैं। तो जाते हैं फटाफट, लगाते हैं बायोमेट्रिक से और देखते हैं क्या करते हैं। आज लेग्स का सेशन, एक सेकंड रुक जा, आज लेग्स का सेशन है, लेकिन मैं शायद लेग्स का सेशन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट व्लॉग में एक दिखा चुका था। तो चलो मिलते हैं। ओके, गर्मी तो भाई बहुत ज्यादा है नागपुर में भाई, मैं 7 बहन आता हूँ ना, फिर भी वो जो पानी की टंकी इतनी गर्म रहती है कि शावर से गर्म पानी आता। और भाई मेरा चीट मील मेरा बंद रहता है अभी, मैंने सच्ची में इससे पूछा, 2 हफ्ते से मैंने मतलब चालू किया हूँ। मैं लास्ट सैटरडे किया था, क्योंकि हम लोग वाटर पार्क गए थे। वैसे मैं सोच लेता मंडे टू सैटरडे नहीं करूंगा, सिर्फ संडे करूंगा, बट कुछ लोगों को पता है इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ भी खा रहे हैं तो उसका वो फोटो वीडियो भेज रहे हैं जिससे मेरी जान जले, उसमें से एक लड़की भी भेज रही है, वो मेरे व्लॉग देखती है। अगर तू समझ रही है या आप समझ रहे हो तो नीचे कमेंट कर दो भाई, लोगों को पता पड़ना चाहिए आप कौन हो, क्यों मुझे फोटो भेजते हो बैस्किन रॉबिन की आइसक्रीम के, नटेला चॉकलेट केक के, ब्राउनी केक के। मत यार सैटरडे तक बिल्कुल मत भेजो, संडे भेजो, क्योंकि संडे में खा सकता हूँ। ठीक है, तो आज थर्सडे है, 2 दिन और मत भेजो, संडे भेजो। संडे जो खा रहे हो, जो कर रहे हो, जो पी रहे हो, सब दिखाओ। ओके, तो भाई हमारे जिम के नीचे जूडियो भी है जहाँ शॉपिंग कर सकते हो, तो पहले बताओ जूडियो जाऊँ की जिम। बाकी ये पार्किंग है, ये पार्किंग में आप नागपुर का कोई भी बंदा होगा जिसकी बंदी होगी और रात को लेके आ सकता है, यहाँ पे गार्ड नहीं बैठा रहता। ये लेके आया था एक बार, तस्सी ने मुझे बताया, देखो यहाँ कोई नहीं रहता रात को। अबे मेरी वाली तो किस किस के साथ नहीं की, छोड़ अभी चलो। हाँ मैं उसके रेफरेंस से आया था और ये मैंने लगा, यहाँ पहले तो कोई और रिसेप्शनिस्ट है। हाँ मैं देख रही थी जहाँ पर आप हाँ शायद है ना, वो मेरा पर्सनल जो चेक है 300 से जो के थे वो मॉर्निंग में, मैं अपॉइंटमेंट से 10 से 11:30 तक। तो भैया जरूरी है लेना क्या ये पैसे दिए भाई, ट्रेनर बोला था आप इस समय मगर नहीं, स्टूडियो आया था थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने, तो उन्होंने बोला ऊपर आ ही जाते हैं करवा ही लेते हैं। बाकी भाई साहब, सही बताना भाई क्या क्यूट थी बंदी भाई। ये रिसेप्शनिस्ट मेरे को एक बार मैं आया था ऐसी ट्रायल लेने मंजोत के साथ, तो कोई और थी, तो मेरे को ठीक तब अभी कोई दूसरी बैठी थी भाई, कितनी क्यूट थी भाई साहब, इतनी क्यूट भाई, कभी कभी तारीफ भी कर देनी चाहिए, सच्ची क्यूट थी। और वैसे भी हमारा टाइम अभी यही होने वाला है मंडे से, क्या चलते कॉफी पीने NBC, फटाफट कॉफी पी के बाकी काम निपटाएंगे, फिर रात को जिम में मिलता हूँ। NBC
एनबीसी बहुत टाइम लगा था ऑलनेट्स को, बाकी भाई पानी हर जगह लेके जाओ, बहुत धूप है, हाइड्रेट रहो, जो भी हो भाई बंदी बहुत की होती। मैं तो यही टाइम पे आऊंगा मंडे से, मेरा वैसे भी यही टाइम था। वी विल मीट फॉर श्योर इफ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग, आई लव यू टू। को टक्कर मारना था, चक्कर मारना था, चक्कर बंद कर लो। चलो भाई दो ढाई मिनट तो खींच गया, बढ़िया हो गया, भगवान ने इसको मेरे लिए आज भेज दिया। मैं सोच रहा था मैं ब्लॉग कब स्टार्ट करूंगा, कब एंड करूंगा, बट शुरू तो हुआ, एंड का तो छोड़ो, शुरू तो हुआ। अब भले एंड आज हो कल हो, इट डजंट मैटर। सो रहा हूं आज तुमसे कुछ दिल की बातें करूं, रात को 2-3 बजे घर से निकल के आया है अकेले में अंधेरे में, पुरानी बातें शेयर करूं उन लोग को। दिल की बातें करेगा ना, दिल की बातें भाई, दिल बहुत बड़ा है मेरा, कितनी लड़कियां थी उसमें सब बताऊं। तो भाइयों गेटोरेट ले लिया है और साथ में ये है हमारा 12,000 का बेल्ट, फुल आवाजी ऑन पॉइंट। और आज है लेग्स, दोनों भाई जिम जा रहे हैं, तैयार हो गए अभी जल्दी, समझे? वी गो जिम, बोल इज वी गो जिम अंकल, वी गो जिम, वी गो जिम। लेग्स का, लेग्स की खुशी है भाई, लेग्स करूंगा बहुत टाइम बाद। ये जिम चलेगा? नहीं ये जिम तो ही जा भाई, 15,000 भरे, 15-13 महीने की। चल डालेंगे गाइस रेटेक्स और फुल लेग्स का वर्कआउट, टेंशन मत लो, वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा तुम लोग को, तुम लोग पसंद नहीं करते हो ना, नहीं दिखाऊंगा। क्या ये किसने दी? ये मैंने खुद को दिया गाइस, ये टी शर्ट फटने वाली है फिर भी मैं इसको नहीं फेंक रहा हूँ, ना ही मैं इसको पोछा बनने दे रहा हूँ, क्योंकि ये गिफ्ट मिला है मेरे को किसी से, और वो शख्स मैं ही हूँ, मैं ही अपने आप को ऐसे गिफ्ट देता हूँ, मैं ही कचरे नहीं देता। स्क्वाट मार रहा था और 120 पे रॉड पलट गई, इस बंदे का बता रहा हूँ। यहाँ लॉक लगा ही नहीं, ये तो लास्ट ही बैक से बैक डाउन ले रहा है, इसने लॉक ही नहीं लगाया। तुम्हारे भाई ने फिर भी रोक के रखा, रॉड नहीं गिराया, पीठ पीछे का तुमने रॉड गिराई, लॉक नहीं लगाया। खा माँ की कसम, अच्छा खा अपने पप्पू की कसम का, चल अपने पप्पू की कसम का, लॉक नहीं लगा भाई। मेरे जिम में पावर लिफ्टिंग रॉड्स रहती थी, इसमें ग्रिप ही नहीं है, समझा? कोई नहीं, गलती कभी कभी मान लेनी चाहिए, जैसे मैं मानता हूँ, जिद्दी होना इतना भी अच्छा नहीं भाई। हालत डाउन हो गई है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज की हूँ अभी तक और 4 एक्सरसाइज बाकी है। लेग्स मींस डेड भाई, फुल डेड, इनका एक्सटेंशन चालू है, मेरा भी एक्सटेंशन चालू होगा, मैं लेग प्रेस के 4 सेट करता हूँ और 3 सेट पोसी है साले। दिन को दुकान ही जाता है कि कहीं और जाता है? गाइस जब मुझसे कंपेयर कर रहा है अपने पिछवाड़े, इसको हेट फैला दो। नाइस ऐप। आप कहाँ जाते हो? पार्टी वार्टी नहीं करता भाई मैं, समझे? गाइस मैं पार्टी नहीं करता, पार्टी करना मैंने छोड़ दिया अभी सर, जिम वहाँ देखो लाइट्स बंद हो रही है, बट हम तीनों में अकेला डेडिकेशन है, और वो बंदे में टोपी वाले में। देख रहे हो डेडिकेशन, लाइटें वाइटें सब बंद हो गई है फिर भी बंदा जिम ही मार रहा है। गाइस फाइनली ये नई टी-शर्ट में आ चुका है, 4 व्लॉग में आया, चारों में सेम टी-शर्ट। भाई जा रहे हैं वैसे लेगा ना अभी तू? इसने ग्लास लगाया है उसके वैसे ले रहा है भाई, बट ठीक है, हक है भाई का, ले 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 ले, ले। दुकानदारी में नो भाईचारा, करूंगे नीचे जूम, बंद कर अभी। बता दे रेट कितना हुआ, क्या हो गया?
अरे भाई हमारे कितना हुआ क्या हुआ भाई का रेट कितना है अभी बता दो ना कितना हुआ क्या हुआ और जो मेरा वो मूवीज का ग्लास हो कितने का खुद ही बताऊंगा उसको खुद ही अलग से बताऊंगा हम लोग को प्राइस क्या हुआ है बट हम लोग भाईचारे में पैसे ऐसे नहीं रखते भाई किसी के दुकानदारी में पैसे देने चाहिए तुम लोग भी दिया करो कंटेंट मिल गया भाई को ऐसे देता थोड़ी है मेरे पैसे थे पैसे पैसे कौन से पैसे भाई तेरे कौन से पैसे मेरे कितने इसका लगाए ना भाई मेरे कितने पैसे हुए नाम देगा नाम जैसे मैं छीन रहा हूँ नाम ठीक है भाई पैसे हो गए तू लड़की के लिए बदल गया ना ले ले पैसे अपना ये देख रहा है इतना इतना शाड़ा बन रहा है ना ठीक है ना भाई आज के बाद बोलना नहीं ठीक है बढ़ दिया तेरे आज के उसको कॉल वॉल मत करना तू भी कॉल मत ब्लॉक कर दो उसको गाड़ी ब्लॉक कर अभी अभी यार गाड़ी तो भाई हम लोग को तो घर के अंदर रहना होता नहीं है तो अभी सब सबसे मिला गोल्डी भी मिला था लेकिन चलेगा जल्दी में तो भाई आप लोग से एक बात शेयर करनी थी मैं व्लॉग सैटरडे को किया था लास्ट वाटर पार्क वाला उसके बाद मैंने तीन चार दिन व्लॉग इसलिए नहीं किया भाई तुम्हारा भाई हो गया था तुम्हारा भाई पहले तो बता दूँ ओवर थिंकर है बहुत ज़्यादा उसके बाद मैं चले गया थोड़ा सा डिप्रेशन में किसके कारण डिप्रेशन में गया तो बताता हूँ अब एक बात बताओ बंदा व्लॉग बना रहा है वीडियो बना रहा है ठीक है और एक साल होने वाला है इसी मंथ में होने वाला है मई के बट बताऊंगा नहीं उसी दिन बताऊंगा जिस दिन होगा सो एक साल मेरे को कभी हेट नहीं मिला अच्छे अच्छे कमेंट्स आए सब अच्छे अच्छे कमेंट्स में मेरे को सपोर्ट किया लोगों ने तो भी बीच में ना एक दो हेट कमेंट्स आना स्टार्ट हुए मेरे को तो मैं बहुत पढ़ के थोड़ा मूड ऑफ हो गया मेरा मैं बोला हंसूर कि क्यों बोल रहा है मेरे को जब मैं इतना कर रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ और लोगों को अच्छा लगता है तभी मेरे को देखते हैं लोग इतने साल एक साल होने वाला है भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था शायद बंदा कैमरे के सामने और इतने सारे वीडियो बना दिया मैंने और मेरे को हमें सपोर्ट मिला है और ये तो मेरे को पता है कि इन फ्यूचर बहुत हेट मिलने वाला है तो मैं थोड़ा थिंक कर रहा था भाई क्यों मैंने चार पाँच दिन व्लॉग ही नहीं किया आज थर्सडे है भाई सैटरडे के बाद आज कर रहा हूँ व्लॉग तो फिर मैं बोला कि यार इनके कारण अपन को रुकना नहीं है हेट कमेंट्स तो आते रहेंगे लोग गालियाँ देंगे 10 गालियाँ देंगे लेकिन बाकी के 90 लोग अच्छा भी तो बोलते हैं वो सोच तो मैंने सोचा यार जो हेटर्स है अपनी करे बल्कि कमेंट करे भाई उल्टा कमेंट करो तुम लोग रीच बढ़ा दो मेरी जाके कोई दिक्कत नहीं अब मेरे को कोई ओवरथिंक करने की नीड नहीं है तुम करो हेट कमेंट मैं ध्यान ही नहीं दूंगा क्योंकि वो भाई इंसान के एकदम मत्थे पे ना बात बैठ जाती है फिर वो इंसान बोल नहीं पाता व्लॉगिंग भाई ऐसा चीज़ है ना कि इंसान का माइंड फ्री रहना चाहिए तो यही सब बात थी बतानी थी इसलिए मैं चार पाँच दिन से व्लॉग नहीं कर रहा था आज कर लिया अभी टाइम देखो रात के बज रहे 1:15 घर के बाहर हूँ अब जाता हूँ घर ये व्लॉग एडिट करता हूँ और मिलूंगा आपसे इधर नेक्स्ट व्लॉग में टेल योर बॉय साइनिंग ऑफ गुड नाइट टेक केयर बाकी आउटरो में कुछ काम करना है इंट्रो देख लिया ना अभी कुछ आउटरो में काम करो और इसको व्लॉगिंग करते हुए देखना चाहते हो तो सपोर्ट करते हो करो भाई मेहनत कर रहा हूँ और यही मंथ में एक साल होने वाला है कुछ एक हफ्ते के अंदर ना बताऊंगा और उस दिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं टाइम कितना और ये एक साल आपके लिए वीडियो बना रहे थैंक यू जो जो भाई सपोर्ट करता है उन सबको थैंक यू हेटर की मार भाई तेरा करता है चिल जाने दे मैटर जो कल के थे माँ जुदा गई दुनियादारी भाई तेरा लाइफ ले रहा हल्के में अभी